कक्षा 10 इंग्लिश चैप्टर 1 द एन्चेंटेड पूल। राइटर सी राजगोपालाचारी। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे अंग्रेजी कक्षा 10 इंग्लिश द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब या रहस्यमयी सरोवर। इसको सी राजगोपालाचारी ने लिखा है। सी राजगोपालाचारी जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था, जिनको राजा जी कहते थे और सी आर के नाम से भी जाने जाते थे। सी आर ये भारत के राजनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े वकील थे, लेखक थे और राजनीतिज्ञ भी थे। स्वतंत्रता के बाद राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इन्हें अंतिम गवर्नर जनरल होने का भी श्रेय प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और वेस्ट बंगाल के गवर्नर बनाए गए। बाद में होम अफेयर्स मिनिस्टर बनाए गए। इस प्रकार से 25 दिसंबर 1972 में इनकी मृत्यु हो गई। राजगोपालाचारी ने एक पाठ लिखा जिसका नाम उन्होंने दिया एन्चेंटेड पूल, रहस्यमयी सरोवर। अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द लेसन। आप किताब ध्यान से देखिए, किताब अपने पुस्तकों को ध्यान से देखिए, चित्र के अतिरिक्त आप चित्रों पर ध्यान कम दीजिए बल्कि अपनी किताबों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और किताबें देखिए। अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। एक्सट्रैक्ट माने उद्धृत किया गया है, ये महाभारत से उद्धृत किया गया है। यह पाठ महाभारत से उद्धृत किया गया है, अर्थात लिया गया है, संकलित किया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज। यह युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहते थे उनके चरित्र को प्रकाशित करता है। हिज पेशेंस उनके धैर्य को, काइंडनेस दयालुता को, लव प्रेम को, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के प्रति प्यार एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता को यह उद्धृत करता है। यह बताता है कि युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहते थे वे कितने धैर्यवान थे, कितने दयालु थे, अपने भाइयों को कितना प्यार करते थे। ही प्लीजेज अच्छा बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स। प्लीजेज माने प्रसन्न करना। वह प्रसन्न करता है कौन? युधिष्ठिर यक्ष को प्रसन्न करता है। ही प्लीजेज अच्छा वह यक्ष को प्रसन्न करता है बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर, संतोषजनक उत्तर दे करके टू हिज क्वेश्चन उनके प्रश्नों का। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिराज, युधिष्ठिर के इम्पॉर्टेंटली युधिष्ठिर के संतोषजनक उत्तर देने से युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुआ। दयच्छावाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष जो यमराज था, यमराज जो मृत्यु का देवता है, लॉर्ड ऑफ यमा हु हैज टेकन द फॉर्म, फार्माने रूप ऑफ एच, जिसने यक्ष का रूप धारण कर लिया था उसी युधिष्ठिर को देखने के लिए। द टेस्ट हिज नॉलेज उसके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, बीइंग सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर विथ हिज आंसर उनके उसके उत्तर के साथ, ही ब्लेस्ड हिम उसने
उसे आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया एंड डिसअपीयर्ड और गायब हो गया। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे, यह पाठ महाभारत से लिया गया है। महाभारत जो हिंदुओं का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसमें युधिष्ठिर और उनके पांचों भाइयों को एक द्रुत क्रीड़ा में एक द्रुत क्रीड़ा में जिनकी हार हो जाती है और पराजय के फलस्वरूप उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास होता है। अपने 12 वर्ष के वनवास को व्यतीत करने के बाद जब वो 1 वर्ष के अज्ञातवास में थे तो उस समय की ये घटना है। और उसी घटना में एक बार यक्ष का रूप धारण करके यमराज ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेनी चाहिए, उनकी धैर्य की, उनकी सत्यवादिता की परीक्षा लेनी चाहिए। इस पाठ में हम यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर को पूछे गए प्रश्न और युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर का हम अध्ययन करेंगे। तो हम पाठ पर आते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट है 1, युधिष्ठिरा बेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा की फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए, एंड एनर्जेटी उत्सुकता में या व्याकुलता में, एंड थ्रस्ट और प्यास। युधिष्ठिर ने उस वन में जाते समय एक बार युधिष्ठिर और उसके भाइयों को बहुत प्यास लग गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भेजा जल लाने के लिए और वह एक स्थान पर बैठकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी को कहा गया यहाँ कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की ब्रदर्स भाइयों की प्रतीक्षा की इन एनग्जिटी एंड थ्रस्ट, चिंता में और प्यास में, चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कर्स माने अभिशाप या श्राप, क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो सकते हैं? आर दे स्टिल वंडरिंग, अथवा वे अब भी वंडरिंग खोज रहे हैं अबाउट इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, अब भी वे वन में पानी को भटक रहे हैं। युधिष्ठिर सोच रहा है कि क्या उसके भाई किसी श्राप से ग्रसित हो गए हैं अथवा वे अब भी पानी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं? आर डाइड ऑफ थर्स्ट, अथवा प्यास से वे मर सकते हैं। वो सोच रहा है कि क्या वे मूर्छित अथवा प्यास से मर सकते हैं। अनेबल माने अनुपयुक्त हो जाना, टू बियर सहने में, असहनीय हो जाने पर, दीज थाट इन विचारों के असहनीय हो जाने पर, एंड ड्राइवन बाई एंड ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल हो जाने से, ही गेव अप वेटिंग, उसने प्रतीक्षा छोड़ दी, गेव माने त्याग देना या छोड़ देना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और उसको देखने लगे या उसकी राह देखने लगे, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की राह देखने लगे, एंड द पूल होप्ड, और तालाब में स्टार्टेड आउट माने बाहर निकल जाना, अर्थात वो भी निकल पड़े, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में, एंड द पूल होपिंग, और तालाब की तलाश में, होपिंग आशा से, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें प्राप्त कर लेगा, दोनों को, अपने भाइयों को भी और तालाब को भी, इस आशा में वह भी बाहर निकल पड़े, जंगल में निकल पड़े। दूसरा पैराग्राफ, पहले तो इस प्रकार से पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि युधिष्ठिर प्यास से बहुत व्याकुल हो गए थे, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे।
और जब वो एकदम चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने भाइयों की तलाश में जाएं, वहां हमारे भाई भी मिल जाएंगे और हमें जल भी मिल जाएगा। दूसरा पैराग्राफ, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स। प्रोसीडेड माने अनुसरण करना, उसी रास्ते पर जाना। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, उसी दिशा का उन्होंने अनुसरण किया। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा का उनके भाइयों ने अनुसरण किया था, जो जिस दिशा में उनके भाई गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर भी गए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखा। केप्ट ऑन जारी रखना, थ्रो ट्रैक्स, ट्रैक्स माने रास्तों से होकर, फुल ऑफ विल्ड बियर्स, ऐसे रास्ते जो जंगली भालुओं से भरे हुए थे। एंड स्पॉटेड डियर्स, और उछलने वाले हिरण जो थे, स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, जंगल के बड़े पक्षियों, टिल तक ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब वो एक हरे मैदान में, ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे मैदान के ऊपर आए। युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों का अनुसरण किया तो वे उसी दिशा और मार्ग पर गए जहां उनके भाई गए हुए थे, और वह जो जंगल था वह जंगली भालुओं, हिरणों और जंगली पक्षियों से, बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। और फिर वह एक सुंदर घास के मैदान पर आए, अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके चारों ओर, अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक स्वच्छ जल का एक तालाब जिनके चारों ओर था, अराउंड ए पूल, एक तालाब, एक स्वच्छ जल का तालाब जिनको घेरे हुए था, वो चारागाह के बीच में एक सुंदर सा तालाब था, इसलिए कहा गया अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, स्वच्छ जल का, साफ जल का एक सरोवर के चारों ओर, एक सुंदर घास के मैदान के पास हुए आए, या के ऊपर आए, पर आए। बट व्हेन दे सॉ हिज ब्रदर, जब उसने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर, पड़े हुए, लेटे हुए, लाइक फ्लेग पोल्स की तरह, गिरे हुए झंडे के डंडे की तरह, फ्लेग पोल, फ्लेग माने झंडा, पोल माने झंडे में जो लगाने वाले जो डंडा होता है, तो एक फ्लेग पोल की तरह, एक झंडे के डंड की तरह वह लेटे हुए थे उसके भाई। उन्होंने देखा कि उसके सभी भाई एक ध्वजदंड की तरह लेटे हुए हैं। अनेबल टू रिट्रेन ही ग्रीफ माने दुख, अपने दुख को सहने में वो सह नहीं पा रहे थे, अपने दुख को वो सहने में उपयुक्त नहीं थे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उसने उठाया अपनी आवाज, अर्थात उसने आवाज से उन्हें पुकारा। एंड डिप और रोए, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उसने जोर जोर से उसे आवाज दी, पुकारा। एंड वेप्ट और रोए, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उसने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, एज जैसे दे ले सो स्टिल, जैसा कि वह ले सो स्टिल, पड़े हुए थे, इतने शांत और चुप पड़े हुए थे, अर्थात उसने भीम, उसके भाई भीम और अर्जुन बहुत शांत और चुपचाप पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। एंड बॉन्ड और कराहा, उसने अपने भाइयों के जो शांत और चुपचाप जो जमीन पर पड़े हुए थे उनके चेहरों को छुआ और मॉर्न आउट कर रहा। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर बोझ, क्या
हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। वह सोच रहा था, युधिष्ठिर सोच रहा है कि हमने जो प्रतिज्ञाएं ली थी क्या उनका यही अंत था। जस्ट देन जस्ट व्हेन आवर एक्सिल्स इज अबाउट टू एंड, ठीक तब जस्ट देन ठीक तब जब हमारा वनवास लगभग खत्म होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे ले लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य प्रायः ईश्वर भी हमारे, इवन द गॉड्स हैव टू फॉरसेकन, प्रायः ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा मेरे दुर्भाग्य पर, अर्थात ईश्वर भी हमारे ऊपर दया नहीं कर, हमारे दुर्भाग्य पर ईश्वर भी किसी प्रकार की दया नहीं करना चाहता। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल के वीडियोज में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।